हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। नो 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 नो। टीचर, तुम किस खानदान से हो? राहुल, जानवरों के। टीचर, क्या मतलब? राहुल, पापा मुझे उल्लू का पट्ठा और मम्मी मुझे गधा, दादाजी शेर का बेटा और दादी जी बंदर कहती हैं। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। नो 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 नो। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। सुरेश ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। एक अखबार वाला लड़का जोर जोर से चिल्लाता हुआ जा रहा था। आज की ताज़ा खबर, एक छोटे से झूठ ने 70 लोगों को बेवकूफ बनाया। राहगीर, एक अखबार देना। लड़का अखबार देखकर आगे बढ़ गया और चिल्लाया, एक छोटे से झूठ ने 71 लोगों को बेवकूफ बनाया। नो 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 नो। लट्टू, इस साल छुट्टियों का क्या प्लान है? मट्टू, कुछ खास नहीं यार, पिछले साल कश्मीर नहीं गए थे, इस साल कन्याकुमारी नहीं जाएंगे। बाप बेटे से, अरे बेवकूफ, छगन लाल जी की बेटी को देख, स्कूल में फर्स्ट आई है। बेटा, और कितना देखूं पापा, उसी को देख देख कर तो फेल हो गया। गट्टू, पापा पापा, कल हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। पापा, वो कैसे बेटा? गट्टू बोला, कल मेरे गणित के टीचर हमें पैसों के रुपए बनाना सिखाएंगे। एक साधु के पास गई और बोले, महाराज आपने प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं आईना देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बेटी यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी कोई पाप नहीं है। नो 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 नो। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था, वो बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो उसको देखकर बोला कि आपकी दो पत्नियाँ हैं क्या? नो 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 नो। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ हरामजादे, ये फटाकों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। दादी को गीता पढ़ते देख पोते ने अपनी माँ से पूछा, माँ दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? माँ, बेटा ये फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं।